प्यारे बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कच्छा बारह एग्रीकल्चर पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों ऑलरेडी हमने पंद्रह क्वेश्चन देख लिए थे इसके बाद सोलह क्वेश्चन चलेंगे ठीक है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उन सभी के बारे में बात करेंगे ठीक है कोई अगर डाउट है तो आप तो कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए ठीक है इसमें प्रश्न पूछा गया हमारा कि गौ पशुओं में हम सींग रोदन क्यों करते हैं तो देखिए हम लोग पशु को एक स्थान पर रखते हैं अतः वे लड़ाई ना करें सींग रोदन कर देने से अधिक डर नहीं होता है ठीक है प्यारे बच्चों इसके बाद पशुओं की सहनशीलता में वृद्धि हो जाती है ग्वालों का चारा पानी देने में डर नहीं रहता है जो सींग में होने वाले जो कैंसर होते हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है यानी कि जो खतरा होता है वो कम हो जाता है नेक्स्ट आपका आपका आता है क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसव प्रक्रिया के लक्षण लिखो तो देखिए जो हमारे जो प्रसव से क्या संबंधित सबसे पहले ये देखिए तो प्रसव से हमारा तात्पर्य है कि जो बच्चा होता है ठीक है माँ के गर्भ से बाहर निकलता है ठीक है यानी कि गाय से गाय के गर्भ से बाहर निकलता है तो वो हमारा प्रसव क्रिया कहलाती है प्रक्रिया कहलाती है ठीक है तो इसमें देखिए इसके लक्षण कौन कौन से है तो देखिए आयन का जो आकार होता है ठीक है वो क्या होता है बढ़ जाता है आयन में जो होता है दुग्ध दुग्ध आ जाते हैं दुग्ध नहीं बल्कि खीस आ जाते हैं ठीक है आयन लटका हुआ वो फैला हुआ प्रतीत होता है इसके बाद आयन में खीस भर जाने के कारण सख्त हो जाता है गाय बेचैन प्रतीत होती है भग में सूजन दिखाई देता है ठीक है इसके बाद भग में म्यूकस आ जाता है ठीक है प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका पूछा गया है हमारा वंशावली चयन किसे कहते हैं किसी पशु से संबंधित चित्र या अभिलेखों के आधार पर चयन करने को वंशावली चयन कहते हैं इसके दौरान तीन पीढ़ियों के निकट संबंधित पूर्वज आते हैं जैसे मदर फादर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर ठीक है प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका पूछा गया हमारा प्रश्न कि दुधारू गाय की चार देशी तथा चार विदेशी गायों विदेशी नस्लों के नाम देखिए तो सबसे पहले देखिए कि हमारा सबसे पहले आता है दुधारू गाय के चार देसी नस्लें तो इसमें पहला हमारा हरियाणा इसके बाद थार पाक इसके बाद की, इसके बाद सिंधी ये हमारे चार है देसी नस्लें ठीक है इसके बाद हमारा आता है जर्सी नस्लें ब्राउन स्वीप इसके बाद ग्वारसी एंड होलीस्ट ये हमारी विदेशी नस्लें हैं ठीक है प्यारे बच्चों इसके इस बाद हम आयस आयल भी देख सकते हैं ठीक है काफी आते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारा पूछा गया क्रिस्टन किसे कहते हैं देखिए किसी झुंड में से खराब पशु को निकालना हमारा क्रिस्टन यानी कलिंग कहलाता है इसके बाद प्री नेटिंग से आप क्या समझते हैं ब्याने के पहले दुग्ध प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं प्री नेटिंग कहते हैं काफी जो गाय होती हैं उनमें यह प्रीटिंग की जो क्षमता होती है वो पाई जाती हैं जो गाय बियाती ही नहीं फिर भी उनमें दूध देने की क्षमता होती है वो दूध देती हैं ठीक है नेक्स्ट पूछा गया हमारा रोग सॉरी रोकथाम इलाज से अच्छा है टिप्पणी लिखी बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोकथाम करने में पशु को बीमार नहीं लग लगेगी ठीक है रोकथाम यदि हम कर रहे हैं तो हमेशा के लिए रोकथाम हो जा रहा है ठीक है इसके बाद पशु को बीमारी नहीं लगेगी अथा और पशु पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं अपने सभी कार्यों को पूर्ण रूप करता है रूप से करता है और पशु का प्राकृतिक पदार्थों से युक्त एवं फुर्ती बनी रहती है परंतु यदि इसके बाद भी रोग लग जाता है तो वो बचाव के रास्ते ढूंढने के लिए हम गाय के उपचार पर धन परिश्रम नष्ट करते हैं ठीक है अतः इसमें उपचार रोकथाम उत्तम है अतः इसमें हम यह कह सकते हैं कि रोकथाम उपचार से अच्छा है ठीक है नेक्स्ट आपका पूछा गया सवाल प्यारे बच्चों कि संक्रामक रोग बीमारी से आप क्या समझते हैं वह बीमारी जो अड़ु जीव के द्वारा होती है परंतु इन अड़ु जीवों को इन अड़ु जीवों की शरीर में उपस्थिति के कारण संक्रमण नहीं फैलता है तो उसे हम संक्रामक बीमारी कहते हैं वह बीमारी जो अड़ु जीव के द्वारा फैलती है परंतु इन अणुजीवों के शरीर में उपस्थिति के संक्रमण नहीं फैलता इसे बोलते संक्रमण बीमारी ठीक है नेक्स्ट पूछा गया हमारा सवाल पूछा गया है पशु पोषण के सामान्य सिद्धांत लिखिए ठीक है थीके? तो पहला आवश्यक भोजन ले जल की उचित मात्रा हो भोजन में खनिज द्रव की मात्रा अधिक पाई जाए हो ठीक है इसके बाद भोजन में प्रोटीन की उपयुक्त मात्रा हो इसके बाद पशु भोजन में खनिज तत्व एवं वसा की मात्रा अधिक हो प्यारे बच्चों नेक्स्ट पूछा गया नर बच्चों के बंध्यागढ़ के उद्देश्य तथा विधिया लिखिए नर बच्चों का क्यों करते हैं सबसे पहले ध्यान दीजिए सील सुहार बनाने के लिए पशु के मांस ज्यादा बढ़ाने तथा अच्छी किस्म के मांस तैयार करने के लिए अनियंत्रित प्रजनन करने के लिए कम साड़ों को रखकर अच्छी संतति बढ़ाने के लिए अंड कोष सूजन जैसे विकार को ठीक करने के लिए बैल तैयार करने के लिए इसके बाद देखिए बंधियागढ़ कब किया जाता है हमारा समय देखिए तो उम्र की बात किया जाए तो तीन माह से छ माह तक के बीच में करते हैं विधिया देखा जाए तो, तो चारा लगा कर हो गया इसके बाद बजीडो कैस्ट्रेटर द्वारा ठीक है तो देखिए चीरा लगा कर जो किया जाता है सबसे दर्दनाक विधि होती है इसके बाद जो बजीडो कैस्ट्रेटर होता है ठीक है ये सबसे बेस्ट मेथड होता है चीरा लगाने का ठीक है प्यारे बच्चों नेक्स्ट पूछा गया हमारा सवाल आता है सॉरी सवाल नहीं है नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया है हमारा संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है पशु का वह भोजन जो उसके जीवन निर्वाह उत्पादक एवं अन्य सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है संतुलित भोजन कराता है संतुलित भोजन में पांच आवश्यक पोषक तत्व होने चाहिए आवश्यक पोषक तत्व तत्व की में बात की जाए प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट विटामस खनिज लवड़ लवड़ ठीक है प्यारे बच्चों इसके बाद जल ये हमारे छह चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है इन 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 छओों में से यदि किसी भी आवश्यक तत्व की कमी हो जा रही है तो उसमें समझ लीजिए कि वो असंतुलित आहार है ठीक है नेक्स्ट पूछा गया है भेड़ की नस्लों के नाम देखिए तो भेड़ की बहुत सारी नस्लें होती जैसे हिसार डेल नीली भेड़ बीकानेर भेड़ मालवाड़ी भेड़ नेल्लोल भेंट कोयमबटोर भेड़ विदेशी नस्लों की बात की जाए तो मेरिनो हो गया कोरिडेल हो गया ठीक है काराकुल हो गया रामनी पारी हो गया पोल बर्थ हो गया पहले बच्चों तीसरे नंबर पर दिया गया हमारा साहिवाल नस्ल के प्रमुख लक्षण लिखिए तो अधिक दूध देने की इसमें क्षमता होती है पशु हल्की लाली लिए हुए पीले रंग के होते हैं ठीक है आयन पूर्ण विकसित होता है इनकी त्वचा चिकनी एवं ढीली होती है शरीर भारी मोटा सींग छोटे व मोटे होते हैं शरीर स्वरूप होता है ठीक है प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका सवाल पूछा गया एक रोगग्रस्त पशु के लक्षण लिखिए ठीक है ठेके? तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तो वीडियो देखने के लिए जिन बच्चों ने यहाँ तक तो वीडियो देखा है वो कमेंट में क्या लिखकर सेंड कीजिएगा हाँ, कमेंट में लिखिए सेंड कीजिएगा स्टडी 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 एग्रो एग्रो लिखकर कमेंट में कीजिएगा ठीक है प्यारे बच्चों यहाँ तक तो जिन बच्चों ने देखा जिन भाइयों ने जिन बहनों ने देखा है वहां तक तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा ठीक है प्यारे बच्चों और वीडियो को ज्यादा से अपने दोस्तों के बाद सेंड करने की कोशिश करें अपने ग्रुप में व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करें ठीक है प्यार प्यारे बच्चों यहाँ पर हम आपको बता देना चाहता हूँ कि हम आपसे मांग करते हैं कि सौ लाइक कम से कम इस वीडियो पर ज़रूर आए ठीक है प्यारे बच्चे बस वीडियो को बस लाइक करना मत भूलिएगा ठीक है और शेयर करिए ठीक है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करने की कोशिश करें धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ठीक है सौ लाइक आप लोग पूरा कीजिएगा ठीक है धन्यवाद अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत